ओके एंड मेरे को थोड़ा शुगर और चाहिए। ब्लू तो कहीं से नहीं है, ऊपर नीचे किया है ना, याद आया कुछ? चलो मैं वापस से बोल देता हूँ। सोशल एक स्टोरी सुनाते हैं, समझ रहे ना आप? वेलकम टू मास्टर क्लास फॉर डमीज, जहां पर हम आपको सिखाते हैं खाना बनाना, लेकिन साथ साथ सिखाते हैं कि सोशल मीडिया पे खाना किस तरीके से सुंदर लग सकता है। तो चलिए आज बनाते हैं एक बढ़िया सा केक जो कि बेक नहीं होगा, फ्रेंच स्टाइल, फ्रेंच क्रेप्स। सो दिस इज अ क्रेप केक, तीन फ्लेवर्स में बनाया जाएगा। चलिए बनाते हैं। चलो शुरू करते हैं केक बनाना, लेकिन उससे पहले केक के अंदर की फ्लेवरिंग बनाना, जो कि है कॉम्पोट। अब कॉम्पोट बनेगा ब्लूबेरी से, स्ट्रॉबेरी से। मैं तीन फ्लेवर बना रहा हूं, एक बेरी, एक वनीला और तीसरा लैवेंडर। थोड़ी सी ब्लूबेरी, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा पानी डाल दो मेरे यार, गैस जलाओ और उबालो और कंपोट बन गया मेरे यार। मतलब पकने के बाद इसे अच्छे से उबलने दो, जब तक ये बिल्कुल पागल ना हो जाए, मतलब मैशी ना हो जाए। दूसरी तरफ स्ट्रॉबेरी, वेल स्ट्रॉबेरी थोड़ी बड़ी होती हैं, इसलिए उसको तीन चार भागों में काट के उसे भी चीनी और पानी के साथ उबाल लिया जाएगा। वापस से थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा पानी डाल दो मेरे यार, गैस जलाओ, स्ट्रॉबेरी पकाओ, कंपोट बन गया मेरे यार। लेवेंडर का फ्लेवर जो है ना, हम बाजार से खरीद लाए थे, क्या खुशबू है। अब हम बनाएंगे क्रेप्स, यानी कि पतले पतले पैनकेक, विद एग भी बन सकते हैं, विदाउट एग भी बन सकते हैं। हम बना रहे विद एग। शुगर, चुटकी भर नमक और इसे अच्छे से बीट कर लो। अब ये बैटर जो है काफी पतला बनेगा, इसका मतलब ये है कि मैदा कम डलेगा और दूध ज्यादा डलेगा। तो यहां पर मैं डाल रहा हूं करीबन 4 चम्मच मैदा और दूध। अब ये जो ब्लूबेरी, शुगर, पानी, ये सारी चीजें बढ़िया से पकनी शुरू हो गई हैं, अब इसको कर लो ठंडा और उसके बाद कर लो उसकी प्यूरी, स्ट्रॉबेरी। जब ये बढ़िया से पक जाए ना, ठंडा कर दो और प्यूरे कर दो। ये लो जी, ये भी बन। तो देखो जी, ये पैनकेक का मिक्सचर तैयार भी हो गया है ना। कंसिस्टेंसी इसकी ये ही होनी चाहिए ये। अब आपको कॉर्नफ्लावर हैंडी रखना पड़ेगा, क्योंकि इतने पतले पैनकेक जो बनते हैं ना, वो एक के ऊपर एक रखे जाएंगे तो फटक से चिपक जाएंगे। इसलिए दो काम हम करेंगे, एक बटर हैंडी रखेंगे और एक कॉर्नफ्लावर। अब क्योंकि हम तीन फ्लेवर के पैनकेक्स बनाने वाले हैं, बैटर हमने सेम बनाया है। अब इसे तीन भाग में डिवाइड कर लो, उसके बाद तीनों में अलग अलग फ्लेवरिंग डाल दो। अब जहां पर भी अंडे जाते हैं ना, वहां पर हल्का सा वनीला एसेंस डालना बहुत जरूरी होता है, तो कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस। तो हल्का सा बटर और इसे पूरे पैन में फैला लो, थोड़ा सा बैटर जाएगा इसके अंदर, हल्का सा कॉर्नफ्लावर प्लेट पे डाला जाए और क्रेप सीधा प्लेट पर। अब हल्का सा कॉर्नफ्लावर और, ताकि जो दूसरा क्रेप इस पे आएगा वो चिपके ना। प्रोटिप एक साइड से डालो और जल्दी से इसे जितना पतला कर सकते हो कर लो। अब ये पतले क्रेप्स तैयार हैं, लेकिन ये एक फ्लेवर है, ऐसे दो फ्लेवर हमें और बनाने हैं, एक लैवेंडर और एक बेरी। लैवेंडर सिरप, तो मैंने ऐड किया थोड़ा सा वायलेट कलर और हल्का सा पिंक कलर, तो वो हो जाएगा जी लैवेंडर का कलर। ये लो जी, ये बन गए लैवेंडर पैनकेक्स। अब बनाएंगे बेरी, हल्का सा पिंक कलर और ये बन गया तीसरा बैटर तैयार। तीन प्रकार के सुंदर सुंदर क्रेप्स तैयार हैं। अब केक में आइसिंग भी तो चाहिए ना, तो आइसिंग बनेगी भैया इधर
क्रीम चीज़ से। थोड़ा सा चीनी, हल्का सा डालो वनीला एसेंस, इन सब को मिला लो बढ़िया से। अब जितना क्रीम चीज़ उससे चार गुना व्हिप क्रीम। ये लो जी, क्रीम चीज और क्रीम का मिक्सचर भी हो गया तैयार। अब इसको मैं थोड़ा सा थिन डाउन कर रहा हूं ताकि लेप लगाने में इजी हो जाए। हल्का सा दूध या क्रीम। चलिए, अब करते हैं शुरू कहानी केक बनाने की। मैं पहले तो प्लेट पे इसे अलग अलग लेयर दे दूंगा, फिर उसके बाद फाइनल प्रेजेंटेशन भी करेंगे। पहला लेयर कोई भी कलर का, थोड़ी सी क्रीम, एंड द फाइनल लेयर। नाउ सिंस दिस इज सच अ ब्यूटिफुल कलरफुल केक, अभी इसको फाइनल प्लेटिंग देना बाकी है। इट विल लुक इवन मोर प्रिटियर। थोड़ा सा कन्फेटी बॉल्स, दो टाइप के कॉम्पोट जिसको मैंने प्यूरे कर लिया है वो तैयार हैं। ये है स्ट्रॉबेरी कॉम्पोट और ये है ब्लूबेरी कॉम्पोट। अब इसी से होगी साइकेडेलिक प्लेटिंग। सिम्फनी ऑफ कलर्स साथ में सिम्फनी ऑफ फ्लेवर्स, वो बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया के चक्कर में सिर्फ खाने को ब्यूटीफुल मत दिखाओ, टेस्टी भी बनाओ।